हेलो हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एम आर कुमार टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास ये ओस्कर कंपनी का होम थिएटर रिपेयर के लिए आया है। सो पहले ये किसी शॉप से रिजेक्ट होके आया है। सो यहां पर ये इसका पैनल का बटन है और यहां पर इसके इंडिकेटर है। सो मैंने ये ओपन करके ढक्कन को थोड़ा अलग निकाल के रखा है ताकि वीडियो बनाने में आसानी रहे, तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर जो इसका मदरबोर्ड और ट्रांसफार्मर और इसका पीछे का जो बैक कवर है, इसको भी मैंने यहाँ बॉक्स से निकाल के रखा है। सो ये इसका पैनल का पीसीबी आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने पैनल से अलग निकाल के और यूँ यहाँ सॉकेट कनेक्टर में लगा के इसको भी इधर रख रखा है ताकि हमारे को वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छे से दिखाई दे दे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारा जो चिप लेवल का सर्किट इस कंपनी का, ओस्कर कंपनी का जो थिएटर है, इसमें सारा चिप का सर्किट दिया है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी और ये। सो गाइज, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये इसका फ्रंट पैनल का जो पीसीबी है, ये इसको आपको मैंने जैसा कि बताया इसको अलग निकाल के रखा है। यहाँ पर ये मैं डीसी मीटर यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीमीटर। तो इसका मैंने जो इसका डिस्प्ले बैकलाइट भी इसमें लगाया है, अपग्रेड किया है। तो इसका अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरा वीडियो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल से मैंने बताया। तो मैं इस मीटर को यहाँ पर 20 वोल्ट पे सेट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर ये इसका एसी लाइन मैंने दे रखा है, इसका मैंने स्विच ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर पैनल पे कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे ऑन नहीं है और ना ही यहाँ पे यह स्टैंड बाई का जो लाइट ऑन हो रहा है। यहाँ पर यह ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई है, यहाँ मदरबोर्ड पे यहाँ से दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर यह डायोड से ब्रिज बना के यूज़ किया है, और एक 12012 की सप्लाई के लिए यहाँ ये वाला ब्रिज यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं इसको मदरबोर्ड को बैक साइड में उल्टा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें सप्लाई जो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इस प्रॉप को ग्राउंड कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका स्विच ऑन नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 16 वोल्ट के समथिंग माइनस में अवेलेबल है, और ये प्लस वाला जो सप्लाई है यहाँ भी 16 वोल्ट प्रॉपर है, यानी कि एम्पलीफायर वाला सप्लाई जो है एकदम ओके है। अब हमारा पैनल का और इसका माइक्रो कंट्रोलर का जो सप्लाई है, यहाँ पर यह 17 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका सप्लाई है, ये यहाँ से आगे इसके आईसी वगैरह ये माइक्रो कंट्रोलर पे मिलना चाहिए। यहाँ से आगे प्रिंट से देखते हैं, ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है, और इस मदरबोर्ड को सारे को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर, और यहाँ से ये इसका क्लॉक सिग्नल, 5 वोल्ट ग्राउंड वगैरह, ये पैनल की सप्लाई का कनेक्टर लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 7805 करके एक रेगुलेटर आईसी यूज़ किया है। तो यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर एक प्रोब ग्राउंड कर लिया है, और यहाँ पर इसका इनपुट वोल्टेज यानी कि 16 वोल्ट के समथिंग एकदम ओके है। और इसका आउटपुट पिन पे मैं चेक करता हूँ जैसे कि, तो यहाँ पर हमें कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं। तो मैं इसका पावर ऑफ कर दिया है, और यहाँ पर इसका शॉर्टिंग चेक करते हैं कहीं हमारा जो 7805 रेगुलेटर आईसी है ये ख़राब या डैमेज तो नहीं है। तो मीटर को बजर मोड पे कर के रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्टिंग शो कर रहा है। तो देखते हैं ये कहीं इसका रेगुलेटर आईसी कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। तो यहाँ नज़दीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप बारीकी से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डॉट सा बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि ये इसका रेगुलेटर आईसी है, ये किसी वजह से फॉल्टी सप्लाई की वजह से इसका
फॉल्ट हो चुका है, तो इसको SMD की मदद से हमें बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर दूसरा 7805 IC इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप फ्लक्स पेस्ट कर लें और यहाँ पर मैं इसको SMD की मदद से यहाँ पर थोड़ा हीट देकर और यहाँ ट्वीजर की मदद से इसको मदरबोर्ड से इसको ओपन कर लेता हूँ, यानी कि बाहर निकाल लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, थोड़ा ये गर्म है। सो मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका डायग्राम भी दिया है और इसका नंबर भी दिया है। ये SMD रेगुलेटर IC है 7805 और यहाँ पर ये डॉट बना हुआ है, तो ये ख़राब हो चुका है, तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये 7805 रेगुलेटर IC नया है, तो ये मैंने पुराना कार स्टूडियो का मदरबोर्ड जो पड़ा था उसमें से निकाल के पहले से रखा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैं यहाँ PCB पे इसको वापस जैसे था ओल्ड वैसे न्यू इसको एकदम इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसको अच्छे से सॉल्ड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मुझे आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। सो मैं इसको थोड़ा इसके हवा दे देता हूँ ताकि ये जो कंपोनेंट है जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ऑन करके देखेंगे तो गर्म है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपने जैसे देखा कि इसको रेगुलेटर IC को नया इंस्टॉल कर लिया है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर इसका 12 वोल्ट जो सॉरी यहाँ पर 3.3 है, यानी कि वोल्टेज जो है ड्रॉप हो चुके हैं और यहाँ आउटपुट पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो चुके हैं, यानी कि यहाँ एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सही है 17 वोल्ट, यानी कि ये जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है ये अपना ख़राब हो चुका है। यहाँ आपको मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह मैं ये बारीक सा जम्पर वायर यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सॉल्ड कर दिया है मैंने और इसको थोड़ा सा इधर से भी मैं सॉल्ड कर देता हूँ। सो गाइस, इसको आपको अच्छे से सॉल्ड कर लेना है और ये यहाँ कटर से मैं इसको कट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमें ये चेक करके देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आता है अपने सामने। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ इनका इनपुट वोल्टेज आ चुका है 17 वोल्ट और ये ग्राउंड है और ये इसका 5 वोल्ट भी आउट कर रहा है, यानी कि ये सर्किट हमारा सही हो चुका है। तो देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इंडिकेटर है ये एकदम ग्लो करने लगा है और ये इसका पैनल की जो सप्लाई है मिल चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसको पैनल को फिट कर लिया है, यहाँ स्टैंड बाई से रिलीज किया तो यहाँ पर DVD NOR लिखा हुआ आ गया है और यहाँ वॉल्यूम प्लस माइनस, यहाँ नीचे इनपुट का मैं प्रेस करके देखता हूँ तो यहाँ पर इनपुट यानी कि ऑक्स हो चुका है, यानी कि। सो गाइस फ्रेंड्स, ये हमारा जो होम थिएटर है एकदम परफेक्टली ऑन हो चुका है। सो मैंने इसको पैक कर दिया और यहाँ पे इनपुट पिन भी लगा दिया है ऑक्स पे और हम इसको चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने CNC म्यूज़िक लगा के रखा है, मैं इसको प्ले करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।